नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार ठाकुर। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हैको इंडियारेफिक्स सेमिनार से संबंधित जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हैको इंडियारेफिक्स सेमिनार का आयोजन इस साल 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडियारेफिक्स क्या है। इंडियारेफिक्स इंडिया का फर्स्ट प्रोफेशनल लैपटॉप रिपेयर कम्युनिटी है। इंडियारेफिक्स के साथ लैपटॉप रिपेयर इंडस्ट्री से काफ़ी पर्सन जुड़े हुए हैं, चाहे वो लैपटॉप रिपेयरिंग एक्सपर्ट हो, चाहे वो लैपटॉप रिपेयरिंग के स्टूडेंट्स हो, लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनर हो, लैपटॉप रिपेयर टूल्स एक्सेसरीज पार्ट सेलर हो, इम्पोर्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, काफ़ी पर्सन जुड़े हुए हैं। और समय समय पर इंडियारेफिक्स की तरफ से लैपटॉप चिप लेवल सेमिनार का आयोजन करवाया जाता रहा है। हमारा लास्ट सेमिनार 2019 को हुआ था, तो ठीक उसके 4 ईयर्स के बाद इस साल दिसंबर में 9-11 दिसंबर तक फिर से इस सेमिनार का आयोजन करवाया जा रहा है। तो इस बार के सेमिनार से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक पोस्टर है, उसमें आपको पता चल गया होगा कि इंडियारेफिक्स लैपटॉप चिप लेवल सेमिनार का जो आयोजन है वो 9-11 दिसंबर 2023 को करवाया जाएगा। अगर आपको इस सेमिनार को ज्वाइन करवाना है तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट दिया हुआ है www.indiarefix.co.in। यहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। कहाँ पे किस जगह पे इंडियारेफिक्स का आयोजन करवाया जा रहा है, तो ये आपको एड्रेस नज़र आ रहा है कि इस बार का जो इंडियारेफिक्स है वो इंडियारेफिक्स सेमिनार है वो आर्या ऑडिटोरियम में करवाया जाएगा। आर्या ऑडिटोरियम का ये आपको एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आर्या ऑडिटोरियम, राजा धीर सेन मार्ग, नियर इस्कॉन टेम्पल। दिल्ली का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है इस्कॉन टेम्पल, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में पड़ता है। तो वहाँ पर इस बार इंडियारेफिक्स सेमिनार का आयोजन करवाया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल के साइड में ही आपका आर्या ऑडिटोरियम है, वहाँ पर इंडियारेफिक्स सेमिनार का आयोजन करवाया जाएगा। प्रॉपर एड्रेस आपको दे रखा है, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली 11065। हमारा जो नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट कहलाया जाता है, वहाँ से इस सेमिनार आयोजन स्थल का जो डिस्टेंस होगा वो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स है। मतलब आप कह सकते हैं मार्केट के बहुत पास है। दिन भर आप सेमिनार को ज्वाइन करने के बाद इवनिंग में आप अपनी मार्केटिंग के लिए नेहरू प्लेस मार्केट भी जा सकते हैं, वहाँ पर अपने डीलिंग कर सकते हैं। तो बात आती है कि अगर हमें इस सेमिनार से जुड़ना है तो हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है मैं उसका पूरा आपको डिटेल्स समझा दे रहा हूँ, क्या फ़ीस होगी, है ना। इतना तो पता चल गया कि 3 डेज का सेमिनार है, 9-11 दिसंबर। 9 दिसंबर आपका सैटरडे है, 10 दिसंबर आपका संडे है और 11 दिसंबर आपका मंडे है। तो सैटरडे टू मंडे ये सेमिनार का आयोजन करवाया जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं किस तरह हम बुकिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंडियारेफिक्स की वेबसाइट पर आता हूँ, www.indiarefix.co.in। मतलब वेबसाइट क्या है आपका, indiarefix.co.in। तो आपको किस तरह बुकिंग करना है वो आप देखिए यहाँ पर आपका ये सेमिनार रजिस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दो आपको QR कोड दे रखा है, एक इस साइड लेफ्ट में देख रहे हैं, एक राइट में देख रहे हैं, दो QR कोड दे रखा है। इस QR कोड को स्कैन कर लेना है और आपको पे कितना करना है, ओनली 1000 आपको इस QR कोड को स्कैन करके पे कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है, आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, जो आपका पासवर्ड होगा, मोबाइल नंबर, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उसका पिन कोड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और ट्रांजैक्शन आईडी। मतलब जब आप यहाँ पर QR कोड से पे करेंगे ना तो उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर दे सकते हैं कोई भी रिमार्क्स कि किसके द्वारा आपको रेफर किया गया है, है ना, कैसे आपको पता चला इस इंडियारेफिक्स सेमिनार के बारे में, वो रिमार्क्स आप दे करके साइन अप कर सकते हैं। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने बुकिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर बात आती है कि टोटल सेमिनार की फ़ी क्या होगी। बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज थे कि टोटल सेमिनार की फ़ी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि टोटल सेमिनार फ़ी क्या है, 7000, है ना, विदाउट अकोमोडेशन। यहाँ पर क्लियर कट दे रखा है, लिखा रखा है यहाँ पर कि टोटल सेमिनार फीज 7000 ओनली विदाउट अकोमोडेशन। तो अब जो आपने यहाँ पे 1000 का यहाँ पर पे किया, ये आपका बुकिंग अमाउंट था, ये बुकिंग अमाउंट था, मीन्स आपको बैलेंस क्या रह गया, 6000। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि स्टार्टिंग में जब हमने
अपने पोस्टर्स जारी किए थे तो उसमें बताया था कि हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम क्या दे रहे हैं, 1000 का। मीन्स कि आप अगर अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको 1000 यहाँ पर बुकिंग अमाउंट जो है वो 15 नवंबर से पहले करना होगा। याद रखिएगा, 15 नवंबर से पहले अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको 1000 का डिस्काउंट्स मिलता है। तो उस केस में रिमेनिंग बैलेंस जो रह गया आपका 5000। जैसे कि अगर आप 15 नवंबर से पहले आप बुकिंग करवाते हैं तो आपकी टोटल कोर्स होगी 7000 नहीं बल्कि 6000 होगी, है ना। तो 6000 में से 1000 आपने ऑनलाइन में बुकिंग कर दिया तो बाकी जो रह गया 5000 रुपये वो आपको कैश में सेमिनार में ही पे करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप 15 नवंबर के बाद बुकिंग करवाते हैं तो वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो आपको पूरा का पूरा 7000 पे करना पड़ेगा, जिसमें कि 1000 आपका बुकिंग अमाउंट के तौर पे आप पे करेंगे और बैलेंस जो आपका 6000 है वो कैश में आपको सेमिनार में ही देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो 15 नवंबर से पहले बुकिंग करवाया जा रहा है तो उनके लिए क्या इस बार सेमिनार में कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी हैं, है ना। और वही जो 15 नवंबर के बाद बुकिंग कराएंगे उनके लिए क्या होगा, गिफ्ट तो मिलेगा बट लिमिटेड होगा, है ना। यहाँ पर क्लियर कट मैं कह दे रहा हूँ, जो गिफ्ट मिलेगा वो लिमिटेड मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारा। और यहाँ पर जब अकोमोडेशन की बात है तो अकोमोडेशन के लिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मैंने एड्रेस दे दिया है कि नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट के पास में इस्कॉन टेम्पल है, ईस्ट ऑफ कैलाश में। वहाँ पर आर्या ऑडिटोरियम में आपको इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो आप खुद भी जो भी बुकिंग वेबसाइट्स होती हैं, है ना, जैसे कि मैक माई ट्रिप है, ईट माई ट्रिप है, उन सबसे बुकिंग करवा सकते हैं आसपास के होटल्स की, वो आप देख सकते हैं खुद भी। और साथ ही साथ अगर आप चाहे तो ये जो नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा 9595056516, इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करके आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिल जाएगा कि किस तरह आपको बुकिंग करवाना है, कहाँ बुकिंग करवाना है, ठीक है ना। तो इस बार जो आप सेमिनार में आएंगे तो सेमिनार का आयोजन न्यू दिल्ली में करवाया जा रहा है। आपको एड्रेस मैंने बताया कि इस्कॉन टेम्पल के पास। तो बात आती है इस्कॉन टेम्पल तक हम पहुँचे कैसे, तो बहुत सिंपल है इस्कॉन टेम्पल तक पहुँचना। जैसे आप जो भी सेमिनार में आएगा वो नेहरू प्लेस तो गया ही होगा, तो जब कभी भी आप नेहरू प्लेस जाते हैं तो नेहरू प्लेस से ठीक एक स्टेशन मेट्रो स्टेशन पहले आपको कैलाश कॉलोनी आता है, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन आता है। तो वहाँ से कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन उतर के भी आप इस्कॉन टेम्पल के पास आर्या ऑडिटोरियम जा सकते हैं, है ना। नेहरू प्लेस से भी आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, है ना, वॉकिंग डिस्टेंस है, और आप इस तरह भी आर्या ऑडिटोरियम पहुंच सकते हैं। तो सेमिनार आयोजन स्थल आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल मैप पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई सेमिनार का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपकी टोटल फ़ी क्या होगी सेमिनार की। तो सेमिनार की जो फ़ी है जो आपको हमने बताया 7000, इसमें हमने क्या बताया, अकोमोडेशन नहीं है बट लंच इंक्लूडेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें लंच इंक्लूडेड है, है ना, स्नैक्स इंक्लूडेड है आपका। जो आपका 3 डेज का सेमिनार होगा तो 3 डेज का आपका लंच और स्नैक्स इसमें इंक्लूडेड रहेगा, है ना। यहाँ पर हमने पहले भी आपको बता रखा था, इस तरह हमने पोस्टर्स अपने जारी किए थे, इस पोस्टर्स पे भी आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम देते आए हैं। आप देखिए ये वाला पोस्टर्स आया था हमारा जिसमें कि हमने अर्ली बर्ड डिस्काउंट 1000 का दिया था, है ना। तो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट कब तक के लिए है, 15 नवंबर के लिए। 15 नवंबर के बाद आपको ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्लोज हो जाएगा, फिर आपकी टोटल सेमिनार फ़ी क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। उसमें से 6000 आपको कैश में सेमिनार में देना होगा और 1000 आपको बुकिंग करना पड़ेगा इंडियारेफिक्स की वेबसाइट पे जा करके स्कैन करके। तो इस बार के सेमिनार में हमने एक और प्रयास किया अपनी तरफ से, कि बात आती है कि इस तरह के सेमिनार को ज्वाइन कौन करेगा, बात आती है कि इस तरह जो हमारा सेमिनार होता है वो कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर क्लियर कट कहते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर से ज़्यादा है, आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं, आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर से ज़्यादा है तो आप इस तरह के सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेशर्स हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको सेमिनार के टॉपिक्स को वक्त के हिसाब से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, है ना। तो ये था, लेकिन इस बार हमने एक स्पेशल काम ये किया है कि इस बार जो हमारा सेमिनार होगा उसमें हमने फ्रेशर्स को भी स्थान दिया है। फ्रेशर्स भी आ सकते हैं, लेकिन कब आ सकते हैं उस चीज़ को देख लीजिए। फ्रेशर्स जो आएंगे तो वो हमारा इस दिन आएंगे। आप जैसे कि देखिए यहाँ पर पोस्टर्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेशर्स जब आएंगे तो उनके लिए वन डे सेमिनार ओनली फॉर फ्रेशर्स न्यू बी, है ना। आपका 10 दिसंबर को,
मतलब 10 दिसंबर जो सेमिनार होगा उसमें हम फ्रेशर्स को भी अलाउड कर रहे हैं कि आप भी आ सकते हैं। किस तरह के फ्रेशर्स आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो साल दो साल पहले तक किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करके निकले हैं, है ना, और उनको लगता है कि अगर हम इस तरह के आयोजन को ज्वाइन करें तो उनकी रिपेयरिंग्स में इससे फ़ायदा हो सकता है, तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया, कोर्स करने के बाद निकले, तो यहाँ पर बात आ जाती है सपोर्ट की, बात आ जाती है कॉन्टैक्ट्स की, कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स है, कितने आपके सपोर्ट सिस्टम थे। तो उन सब चीज़ों का दायरा अगर बढ़ाना है तो आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बहुत सारे हमारे रिपेयरिंग के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से ट्रेनर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में आपको आना पड़ेगा, ताकि आपकी रिपेयरिंग का दायरा भी बढ़े। क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई किस तरह सीखता है। एक तो देखिए, आपने सीखा, आपने अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में सीखा, कैसा सीखा वो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपर्ट के साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनको आप जान सकते हैं, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे एक्सपर्ट सीखते हैं, उनका क्या टेक्निक्स होता है, उन सब चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। तो ये जो एक दिन का सेमिनार है उसमें हम फ्रेशर्स को भी ज्वाइन करेंगे, जो एक्सपर्ट पर्सन है वो तो ज्वाइन करेंगे ही एक दिन का सेमिनार, मतलब जो एक्सपर्ट पर्सन है उनके लिए 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर 3 डेज का सेमिनार होगा। लेकिन अगर कोई फ्रेशर्स हैं तो वो 1 डे के लिए सेमिनार ज्वाइन कर सकता है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट अलग रहेगी। जो भी फ्रेशर्स हैं उनकी सीटिंग अरेंजमेंट अलग रहेगी। जो भी एक्सपर्ट्स इस सेमिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको कि 2 ईयर्स से ज़्यादा के एक्सपीरियंस है, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट अलग रहेगी, है ना। तो बात आती है कि उनसे क्या फील आ जाएगा, जो आपका फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स जो आएंगे 10 दिसंबर के दिन, तो उनसे क्या फ़ी लिया जाएगा। तो फ़ी उनका ओनली 599 है। 599 का फ़ी रहेगा इंक्लूडिंग लंच, मतलब आप लंच भी हमारे साथ करेंगे, है ना, लंच भी आप हमारे साथ करेंगे, जो 599 रुपये लिया जाएगा उसमें आपका लंच भी रहेगा। और हम देखेंगे, हमें अपनी तरफ से अगर आपको कुछ गिफ्ट देने का मौका मिलेगा तो उस पर भी हम सोचेंगे। मतलब देखिए, 599 कोई बहुत बिग अमाउंट नहीं है, पूरा एक दिन का सेमिनार है, पूरा एक दिन का सेमिनार फ्रेशर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9:30 AM से लेके अप्रॉक्स 5:30 PM तक का सेमिनार रहेगा। और अभी मैं आपको टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ कि क्या टॉपिक्स रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सेमिनार में जो हम टॉपिक्स लेंगे उसमें हम पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे। मतलब पीछे से हम क्या करते आए हैं, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, उन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स इस बार रहेगा, और बहुत ही स्ट्रांग टॉपिक्स रहेगा। आप अगर सेमिनार को ज्वाइन करते हैं, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो यकीनन आपकी रिपेयरिंग में ग्रोथ आएगा, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। इवन मैं कहता हूँ आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने से जब आप हमारी टीम से मिलेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलेंगे, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनसे मिलेंगे ना, तो आपका पैसा तो इसी में वसूल है। नॉलेज तो एक साइड रख दीजिए, केवल मिलने में आपका पैसा वसूल है, है ना। क्योंकि देखिए, इस तरह की जो गैदरिंग होती है ना, उसका एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही मजा है, कि जब आप अपने लाइन के, मतलब जिस लाइन में आप हो, जिस लाइन को आपने अपने कैरियर के तौर पे चूज किया है, आप ही जैसा दूसरे पर्सन भी है जिन्होंने इस लाइन को अपने कैरियर के तौर पे चूज किया है, तो कौन किस तरह सक्सेस हुआ, आज कौन किस मुकाम पे है, उनकी क्या एक स्टोरी है, हो सकता है वो आपको जानने का मौका मिले, आप उनसे रूबरू हो सकते हैं। देखिए, जब हमें सीखना होता है, सीखने के टाइम पे सिखाते हैं, है ना, सीखने के टाइम पे सिखाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप सीखेंगे भी और आप हमसे आके मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, है ना, एक दूसरे की फेस वैल्यू बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि फेस वैल्यू बढ़ेंगी, लोग आपको जानेंगे। अभी आप कहाँ हैं, आपको कोई नहीं जानता, इस लाइन में आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप इस सेमिनार को ज्वाइन करेंगे तो आपको लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार का जो हमारा इंडियारेफिक्स का सेमिनार है, उसके स्पॉन्सर कौन है, मेन स्पॉन्सर है हैको, है ना, हैको हमारा मेन स्पॉन्सर है, प्लस को स्पॉन्सर हमारे LRC और लैपटेक्स है। तो इनकी भी टीम यहाँ पर आएंगी, इनकी भी यहाँ पर टीम आएंगी। और हैको जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे नेहरू प्लेस में सबसे बड़ा इनका मदरबोर्ड का बिजनेस है, टच स्क्रीन का बिजनेस है,
तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो इनकी टीम से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा, तो उसकी जो एक फेस वैल्यू बनेगी वो एक अलग ही बनती है बात, ठीक है ना। कोई आपको जानता नहीं है तब की बात, और जब कोई आपको जानता है तब की बात, बहुत अंतर होता है इसमें, है ना। तो ये फ्रेशर्स के लिए सेमिनार रहेगा, केवल वन डेज का सेमिनार रहेगा, है ना। तो आपको बुकिंग किस तरह करना है वो भी मैं बता दूं कि आपको बुकिंग कैसे करना है। अगर फ्रेशर्स ज्वाइन करता है 599, ओनली 599 में अमाउंट पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो इस सेमिनार को। आप यहाँ पर एक नंबर देख रहे हैं 9595056516, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, है ना। आप चाहो तो इस नंबर पे ही जीपे करिए, पेटीएम करिए, फ़ोन पे करिए, इस नंबर पे करके आप अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। मतलब फ़िलहाल जब तक कि ये वीडियो अभी आपके पास आ रहा है तब तक हमने वेबसाइट पे आपके लिए कोई फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 2-4 दिन में आपको वेबसाइट पे भी फॉर्म फिलअप का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल आपका क्या है कि आप इस नंबर पे फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और जब आप बुकिंग कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपका सीट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी आप बुकिंग करते हैं तो आपको आपका सीट नंबर मिलता है। जो पहले बुकिंग करेगा उसको आगे की सीट मिलती है, जो पीछे बुकिंग करेगा उसको पीछे की सीट मिलेंगी। तो खैर इस बार का सेमिनार जो ऑडिटोरियम में है, आगे बैठिए पीछे बैठिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि जो हमारी दो कैटेगरी है यहाँ पर, जो 3 डेज का सेमिनार ज्वाइन करेंगे और जो 1 डेज का सेमिनार ज्वाइन करेंगे, तो जो उनका सेटिंग अरेंजमेंट है वो अलग अलग रहेगा। तो इस बार का सेमिनार का आयोजन देखिए, मैंने पहले बताया पूरे 4 साल बाद करवाया जा रहा है, ये मौका बार बार नहीं आता, पूरे 4 साल बाद ये इस तरह का सेमिनार का आयोजन करवाया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेमिनार का जो हमारा एड्रेस है ये आप देख सकते हैं, आर्या ऑडिटोरियम, राजा धीरसेन मार्ग, नियर इस्कॉन टेम्पल, सी ब्लॉक, कैलाश हिल्स, स्टॉप कैलाश, न्यू दिल्ली 110065। जो हमारा सेमिनार होगा वो मान के चले कि 9:30 पे स्टार्ट होगा, है ना, एएम मॉर्निंग में, और आपका 5:30-6 PM तक ये क्लोज हो जाएगा। मतलब इस तरह पूरे 3 दिन सेमिनार रहेगा, 9 December, 10 December and 11 December का। तो इस बार के सेमिनार में फ़िलहाल मैं आपको टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, टॉपिक्स आपको आगे बताया जाएगा। तो काफ़ी वैल्यूएबल हमारा सेमिनार होने वाला है, आप इसको ज्वाइन करिए। यकीनन इस सेमिनार को ज्वाइन करके आपको आपके रिपेयरिंग्स में काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी आपको इसमें इस तरह के हिंट्स मिलने वाले हैं कि आप अपनी रिपेयरिंग को सुधार सकेंगे। तो इसी बात को कहते हुए मैं इस वीडियो से आपको विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।